हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोगों ने रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किस तरह मनाया है, एक छोटा सा वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ। आपको मेरे ये वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक शेयर जरूर कर देना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए हमारा साथ आप भी शामिल हो जाइए हमारा सेलिब्रेशन में। ये है हैंडमेड राखी, होममेड गुलाब जामुन। हैंडमेड राखी का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। होममेड गुलाब जामुन घी से बना हुआ है, इसका रेसिपी लास्ट में बताऊंगी, वीडियो में अंत तक बने रहिए। सबसे पहले आप सबको हैप्पी रक्षाबंधन। जिनका भाई नहीं है वो इस तरह रक्षाबंधन मना सकते हैं, ये भाई हमेशा आपके साथ रहेंगे। अब दोनों भाई को लगाएंगे सिंदूर, फिर बांधेंगे राखी। अब लगाएंगे फूल तुलसी। तुलसी लॉर्ड जगन्नाथ स्वामी जी को बहुत पसंद है। फिर डालना है हल्दी चावल। अब खिलाएंगे मिठाई। मिठाई बहुत पसंद है लॉर्ड जगन्नाथ स्वामी जी को। फिर कर लेना है आरती। अंत में भाई से आशीर्वाद लेना है। इस तरह मेरे छोटी ने पूरे दिल से रक्षाबंधन मनाई है। नेक्स्ट हम बनाएंगे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन बनाना इतना मुश्किल नहीं है, सब लोगों को आता ही होगा। भोग के लिए जो गुलाब जामुन पाउडर मैंने यूज किया है वो बैम्बिनो कंपनी का है। आप जैसे भी बनाइए, इससे बहुत अच्छा गुलाब जामुन बनता है। यहाँ पर हमने लिया है 1 कप गुलाब जामुन पाउडर। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स कर लेना है, हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लेना है। इस तरह डो बना के तैयार कर लेना है। लास्ट में हाथ में थोड़ा सा घी लगा के आटा का गूंद लेना है ताकि ये सूखे ना। साइड से जो भी लगा रहता है इस तरह स्क्रैच करके निकाल लेना है। ऊपर से थोड़ा सा घी लगा के इस तरह गोला बना के रख लेना है। इस तरह करने से आपका आटा सूखेगा नहीं। फिर ढक के 5 से 10 मिनट रख लेना है, तब तक हम बना लेंगे चाशनी। जितना आटा लिया है उससे 1.5 कप चीनी लेना है, 2 कप पानी डाल देना है। फिर गैस ऑन करके इसे अच्छे से बॉईल होने देते हैं। इस तरह मिक्स करते हुए हाई फ्लेम में रख के बॉईल कर लेना है ताकि जल्दी से बॉईल हो जाए। अब ये देखिए अच्छे से बॉईल होना शुरू हो गया है। अब सब लोगों को पता ही होगा चाशनी गुलाब जामुन का किस तरह बनता है। 10 से 15 मिनट इसे अच्छे से बॉईल करके हल्का सा चिकनाहट महसूस करने के बाद इसे बंद कर लेना है। फिर इसे ढक के साइड पे रख लेना है। नेक्स्ट गैस पे कढ़ाई चढ़ा के घी को गर्म कर लेना है। जब तक हमारा घी गर्म होता रहेगा तब तक हम गोला बना के तैयार कर लेना है। ये देखिए हमारा डो इस तरह बन के तैयार होना है। इस तरह हाथ में थोड़ा सा घी लगाकर छोटा छोटा पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। आप जिस साइज का गोला बनाना चाहते हैं, छोटा बड़ा, उसके हिसाब से गोला बना लेना है। हमने छोटा छोटा बना के तैयार कर लिया है। ये देखिए हमने सारे बना के तैयार कर लिया है। घी भी अच्छे से गर्म हो चुका है। फिर बने हुए गोले को इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पर गैस का फ्लेम मीडियम रख लेना है। इस तरह बबल्स आने के लिए कोई डरना नहीं है। जैसे जैसे गुलाब जामुन पकता रहेगा बबल्स भी कम होता जाएगा। बीच बीच में इस तरह चलाते रहना है। गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रख के गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। देखिए इस कलर में आने के बाद निकाल लेना है। बाकियों को भी फ्राई करके निकाल लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने सब कुछ बना के तैयार कर लिया है। अब चाशनी गुनगुना रहते ही सब कुछ डाल देना है। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करके ढक के 1 घंटे के लिए रख लेना है। अब ये देखिए अच्छे से सोक हो चुका है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं परफेक्ट गुलाब जामुन बना है, ना कहीं क्रैक हुआ है ना कहीं टूटा है।
फिर इन्हें एक बार उलट पलट कर लेना है। अब इसमें से एक तोड़ के दिखाती हूँ, देखिएगा एक इस तरह बना है। ये देखिए ये पूरी तरह से सॉफ्ट एंड अच्छी तरह से सोक हो चुका है। तो दोस्तों आपको कैसी लगा है हमारा छोटा सा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन, और एक न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।